ओडिशा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले दो मामले सामने आए हैं। नाइजीरिया और कतर से आए दो लोगों को नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। कटक के कोविड 19 नोडल अधिकारी के मुताबिक नाइजीरिया से आया यात्री पूर्ण टीकाकृत है और उसके संपर्क में आए सभी लोगों को भी कोरोना नेगेटिव पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अब ओमिक्रॉन के 200 कंफर्म्ड केस हैं, जिसमें से 77 संक्रमितों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र में कुल 54 संक्रमितों में से 28 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यहां नए वेरिएंट के 34 नए मामले दर्ज हुए। ये सभी LNJP अस्पताल में भर्ती लोगों में पाए गए हैं। अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या 54 है, जिसमें से 17 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 लोग जिन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है, इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और इन्होंने विदेश यात्रा नहीं की है। देश में कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाली भारत बायोटेक ने ड्रग नियामक को एक अर्जी में अपनी नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए ट्रायल की मांग की है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि देश में अगले 2 महीनों के अंदर हर महीने 45 करोड़ कोविड टीकों का उत्पादन होने लगेगा। ये क्षमता अभी 31 करोड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 88% आबादी को कम से कम एक खुराक जबकि 58% को दोनों वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। भारत में अभी नए वेरिएंट का हमला तेज नहीं है, हालांकि दूसरे देशों में खासकर यूरोप में हालत गंभीर बन रहे हैं। यूके में नए वेरिएंट से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका में ओमिक्रॉन डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है। वहां जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 73% सैंपल ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, जबकि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे शहरों में ये फीसद 100 का है। वहीं 27% सैंपल डेल्टा वेरिएंट पॉजिटिव निकले। इससे कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन ने अब डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने भी कहा कि संस्था के पास ऐसे सबूत हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।